आइए स्टूडेंट्स, हम एक क्वेश्चन को करते हैं। ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस ई टू द पावर एक्स। अब शायद ये आपके लिए कोई भी कुछ भी बड़ा क्वेश्चन नहीं है और आपने इसको ऑलरेडी करा हुआ है, बट देख लेते हैं कि क्या आपने इसको इस पर्टिकुलर अप्रोच से करा हुआ है, जो कि एक वैलिड अप्रोच है। लेकिन ऑब्वियसली अगर पता ना हो या उस चीज पे कॉन्फिडेंस ना हो तो शायद हम पेपर में ऐसी चीजें करते समय डर जाते हैं। ज्यादातर बुक्स ने या ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, ई एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और हम वन प्लस ई एक्स को या सिर्फ ई एक्स को टी पुट कर कर ई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या कर देते हैं डी टी, जिससे कि ये क्वेश्चन जो है वो इस तरह की शेप ले लेता है। ध्यान से देखिए, ऐसा आ जाएगा डी टी अपॉन टी इंटू वन प्लस टी, और फिर इसको पार्शियल फ्रैक्शन पर ले जाया जाता है या फिर कहा जाता है कि ब्रैकेट ओपन कर कर क्या करिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाइए और स्पेशल इंटीग्रेशन लगा दीजिए, या फिर टी को कॉमन ले लीजिए, टेक टी कॉमन एंड देन सब्स्टिट्यूट। सो लेकिन ये तो डबल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो ये तीन मेथड से मैंने अक्सर देखा है कि ये क्वेश्चन जो है वो करा जाता है। आइए अब हम इसी क्वेश्चन को एक डिफरेंट और फिर से मुझे बोलने दीजिए कि एक वैलिड अप्रोच से हम इसे करते हैं। आइए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चेक करते हैं। जब मैंने क्वेश्चन लिखा dx अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x, उस समय आपको क्या करना चाहिए कि e टू द पावर x को कॉमन ले लेना चाहिए, और जैसे ही आप e टू द पावर x को कॉमन ले लोगे हमारे पास आ जाएगा 1 बाय e टू द पावर x प्लस 1, और आप पहुंच जाओगे e टू द पावर x विद इन द ब्रैकेट डिनोमिनेटर में e टू द पावर माइनस x प्लस 1, और इस जो डिनोमिनेटर में ई एक्स है इसको ऊपर ले जाओगे। अब ये जो दो स्टेप्स मैंने लिखे हैं, जरूरी नहीं है कि आप ये एग्जाम में करके दिखाएं, आप इनमें से कोई एक स्टेप या दोनों के दोनों स्टेप स्किप कर सकते हैं। और अब जो क्वेश्चन हमारा शेप ले लेगा वो होगा ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1। अब देखिए आराम से अगर मैं इसको टी पुट करता हूं और कितनी आसानी से ये क्वेश्चन जो है वो हो गया है। ध्यान से देखिए, ये आ गया माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और हमारा पूरा न्यूमरेटर जो है वो बन गया है माइनस डी टी, डिनोमिनेटर जो है वो बन गया है टी, और इंटीग्रेशन हो गया है माइनस लॉग मॉड टी। और आप पहले से ही जानते हैं कि इंटीग्रेशन में कई बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि यार आंसर अलग है, जबकि आंसर अलग नहीं होता, सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अलग होता है, आंसर सेम होते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है, और आंसर आ गया है माइनस लॉग मॉड 1 प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस सी, और हो गया ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट करिए, और हां इस चैनल पर, और हां इस चैनल को, और हां इस चैनल को सपोर्ट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप डूइंग गुड।